प्यारे बच्चों, मैं कीर्ति आर्या, सहायक अध्यापिका, चंपा देवी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हरनही गोरखपुर, कक्षा 12 की गृह विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो पाठ है हमारा अंतःश्रावी ग्रंथियाँ। बच्चों, इस पाठ में हम सारी ग्रंथियों के बारे में, हार्मोन के बारे में, एंजाइम्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम ग्रंथियाँ क्या हैं, बाह्य श्रावी ग्रंथियाँ और अंतःश्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन्स और एंजाइम्स, हार्मोन और एंजाइम्स का शरीर में महत्व, अंतःश्रावी प्रणाली की विभिन्न ग्रंथियाँ और ग्रंथियों के कार्य ना करने से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ग्रंथियाँ हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका समूह होता है। ये कोशिकाएं जब एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ एकत्रित होती हैं और किसी रसायन का श्रावण करती हैं, किसी रसायन को श्रावित करती हैं, तो वो हमारी ग्रंथियां होती हैं। ये रसायन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे शरीर को अनेक प्रकार से प्रचालित करते हैं। तो ये हमारी ग्रंथियाँ या कोशिका से बनी विशेष प्रकार की रचना है जो शरीर में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्वों का श्राव करती है। पहला कार्य इसका होता है हमारे शरीर में, हमारी ग्रंथियों में जो श्राव हो रहा है उससे जो उसको पूरे शरीर तक संचालित करना, जहाँ इसकी ज़रूरत है इसको वहाँ तक पहुँचाना, ट्रांसमिशन करना। हमारी ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य श्रावी ग्रंथियाँ और एक अंतःश्रावी ग्रंथियाँ। बच्चों, बाह्य श्रावी ग्रंथियाँ, जैसे कि नाम बता रहा है, बाहर श्रावित होने वाली ये ग्रंथियाँ डक फुल होती हैं, डक्स होती हैं इसमें, इसमें जो है नलिकाएँ होती हैं। ये नलिकाएँ नीचे कहीं पूरी त्वचा के अंदर नीचे कहीं हमारे शरीर में होती हैं, लेकिन इनका सिरा हमारे शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से हमको, इसमें जो श्रावित हो रहा है वो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। इससे श्रावित होने वाली जो हमारी ग्रंथियां हैं उसमें अश्रु ग्रंथि है। ये ग्रंथियां आंखों से आंसुओं को निकालने में मददगार होती हैं। हम देख रहे हैं कि ये आंखों के अंदर कहीं ये इसकी रचना शुरू हुई है, लेकिन ये अश्रु के रूप में बाहर दिख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से हमें बाहर दिख रहे हैं, तो ये हमारे आँखों से आंसू निकालने में सहायक होती है। दूसरी ग्रंथि है बच्चों लार ग्रंथि, ये हमारे मुख में होती है, हमारे मुँह में होती है। ये ग्रंथियाँ हमारे भोजन को बचाने का कार्य करती हैं। हम जानते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुँह में लार आ जाती है। ये लार एक लिप्बा पदार्थ होता है जो हमारे भोजन को लुगदी रुमा बना देता है, उसको पचाने के लिए सहायक होता है, और इसी के कारण यहीं पे हमारा पाचन क्रिया का पहला चरण शुरू होता है। बच्चों, अगली ग्रंथि हमारी श्वेत ग्रंथि, ये ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त जल को हमारे शरीर से बाहर पसीने के रूप में निकालने का कार्य करती हैं। अगली है बच्चों यौन ग्रंथियां, ये ग्रंथियां प्रजनन कार्य में सहायक होती हैं। तो बच्चों, हमने जान लिया कि ये बाह्य श्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। अब जानते हैं कि ये अंतःश्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि बाह्य श्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं और हमें वो प्रत्यक्ष रूप से जो उससे श्राव हो रहा है वो हमें दिखता है, परंतु अंतःश्रावी ग्रंथियां ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सीधे हमारे रक्त में खुल जाते हैं और आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचा दिए जाते हैं। अब अंतःश्रावी ग्रंथियां या नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं या मानव व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं। अंतःश्रावी ग्रंथि बहुत सी ग्रंथियों का एक समूह होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रंथियां क्या हैं, तो ये भी ग्रंथियों का एक समूह है। ये रसायनों का निर्माण करती हैं, ये कुछ रसायनों का निर्माण करती हैं और इन रसायनों को हम हार्मोन कहते हैं। अंतःश्रावी
ग्रंथियों से निकलने वाला रसायन जो है हार्मोन कहलाता है। अब ये हार्मोन क्या होता है, हमारी शरीर में अनेकों गतिविधियों को करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, मददगार होता है। अब जान लेते हैं इन हार्मोन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमारा हार्मोन रासायनिक रूप से हार्मोन प्रोटीन स्टेरॉइड्स अमीनो अम्ल होता है। ये प्रोटीन का भाग होता है, स्टेरॉइड्स होता है और अमीनो अम्ल के रूप में ये श्रावित होता है। हार्मोन जल में घुलनशील होता है, ये जल में मिल जाता है, इसीलिए रक्त में ये आराम से घुलनशील हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर करीब 70% जल से बना होता है। सभी हार्मोन कोशाकला के आर पार हो सकते हैं। कोशाकला अर्थात कोशिका झिल्ली। हमने जब कोशिका पढ़ा था तो हमने देखा था, समझा था कि कोशिका के ऊपर एक कोशिका झिल्ली होती है, तो ये पदार्थ हार्मोन जो होते हैं उस कोशिका झिल्ली या कोशिका कला के आर पार जा सकते हैं। हार्मोन शरीर में संचित नहीं रहता है, यह इसका संश्लेषण शरीर में निरंतर होता है। ये एक जगह ठहरता नहीं है, एक जगह संचित नहीं होता, ये पूरे शरीर में इसका ट्रांसपोर्टेशन या संचरण चलता रहता है। विशेष हार्मोन विशेष अंग या कोशिका पर ही प्रभाव डालते हैं। हमारा जो विशेष प्रकार का हार्मोन जहाँ से श्रावित हो रहा है वो विशेष अंगों पे ही प्रभाव डालता है, वो सभी अंगों पे प्रभाव नहीं डालता है। तो आइए बच्चों चर्चा करते हैं हमारी अंतः एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, ये भी एक रसायन पदार्थ है जो कोशिकाओं में पाया जाता है और वहाँ से श्रावित होता है। ये हमारे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है। हार्मोन क्या होता है? रासायनिक पदार्थ ही होता है और ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं हमारा एंजाइम्स। ये शरीर को की मांसपेशियों को बनाने में और शरीर के विषाक्त चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये हमारे अग्नाशय उदर और छोटी आंत में बनते हैं। हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियास छोटी आंत और उदर में बनता है। उदर माने पेट या एब्डोमेन। ये हमारे इनका मुख्य कार्य होता है हमारे ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज बड़े बड़े रूपों में होते हैं उनको तोड़कर, उनके छोटे अणुओं को बनाकर उनको हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों तक पहुँचाना। बच्चों एंजाइम्स के बारे में चर्चा करने के बाद अब हम चर्चा करते हैं हमारी अंतःस्रावी प्रणाली के बारे में। जैसे कि आप लोग ये चित्र देख रहे हैं बच्चों, इस चित्र में आपको सभी दिख रहा है, अलग अलग ग्रंथियों के नाम दिख रहे हैं और ये ग्रंथियाँ किस तरह से कहाँ पे ये विद्यमान है हमारे शरीर में, ये पूरा दिख रहा है। अब इस प्रणाली में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि ये ग्रंथियाँ हमारी क्या कार्य करती हैं, कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में होता है। हमारे शरीर में तीन ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे मस्तिष्क में होती हैं। उसके बाद हमारी थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथि हमारे कंठ में होती है। थायमस हमारे छाती से थोड़ा सा ऊपर होता है और ग्रासनली से थोड़ा सा नीचे होती है। इसके बाद पैनक्रियाज आती है जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं। उसके बाद एड्रेनल्स यानी अधिव्रक होती है। इसके अलावा ओवरी और टेस्टिस ये भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, परंतु ये महिलाओं में ओवरीज अंडाशय में और पुरुषों में टेस्टिस यानी विष्णु में होती हैं। इसके अलावा ये प्लेसेंटा होता है, जो माता जब गर्भवती होती है महिला तो बच्चों के पोषण के लिए ये अतिरिक्त रूप से कार्य करता है। तो बच्चों आइए चलते हैं हम लोग इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग जिन जिन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे उनके बारे में देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिव्रक ग्रंथि, थायमस ग्रंथि, अग्नाशय एवं जनन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हमारी थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि हमारे कंठ में होती है, हमारे गले में होती है। ये गुलाबी रंग की अस्थि होती है और ये एच आकार की अस्थि होती है। ये करीब 25 से 30 ग्राम की होती है। इसकी लंबाई 5 तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। ये हमारी थायरोक्सिन नामक
हार्मोन को स्रावित करती है और ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में हमारी उपापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाता है, नियंत्रित करता है, हमारे ऊर्जा उत्पादन करता है, हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा आवश्यक है उसका उत्पादन करता है, ग्लूकोज को अवशोषित करता है, ये ग्लूकोज को अवशोषित करता है यानी उनको अपने अंदर समाहित करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का ये संश्लेषण करता है और शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह हमारे विकास और विभेदन यानी हमारे डेवलपमेंट और हमारे कोशिकाओं को बटने में और ज़्यादा विकास होने में, कोशिकाओं को एक से दो, दो से चार मल्टीप्लाई होने में सहायता करता है। थायराइड ग्रंथि की कमी से हमारे शरीर में जो रोग हो जाते हैं वो है घेंगा या हाशिमोटो। घेंगा हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होता है और थायरोक्सिन का सबसे मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करना। बौनापन, मोटापा और हमारी उपापचय दर में कमी या बढ़त दोनों ही होता है इससे। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हमारी थायरोक्सिन जो है, जो कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित हो रही है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। अगली हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है, जैसा कि आप लोग चित्र में यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो लाल लाल छोटा सा दाना मटर जैसा दिख रहा है, ये हमारा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये इस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन को श्रावण करती हैं। ये वृद्धि हार्मोन, प्रेरक हार्मोन और पुटिका प्रेरक हार्मोन का श्रावण करती हैं। ये हमारे शरीर में विकास, रक्तचाप का नियंत्रण, प्रसव के दौरान गर्भाशय का सिकुड़ना ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके, उस कार्य में मदद करती हैं। स्तन में दूध का उत्पादन, जब माँ दूधपान कराना चाहती है तो स्तन में दूध का ये बढ़ावा देती है और इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों को यौन अंगों में सहायता प्रदान करती है ताकि वो अपने यौन क्रियाओं को संपन्न कर सके। ये जल यह भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह हमारे चयापचय की क्रिया को मदद करता है और नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमारे गुर्दे में जो जल अवशोषित हुआ है उसको नियंत्रित करता है और ADH नामक हार्मोन स्रावित करता है जो कि हमारे गुर्दे में जल को नियंत्रित रखता है। ये हमारे शरीर में, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रंथि एज अ मास्टर हमारे सारी ग्रंथियों पे एक संचालन करती है, इनको इनका जो हार्मोन है उसको श्रावित करने में मदद करती है, इनको ऑर्डर करती है कि ये इन श्रावों हार्मोन्स को श्रावित करें ताकि ये दूसरी अलग ग्रंथियां अच्छे से कार्य कर सकें, यानी प्रेरणा स्रोत होती हैं, इसलिए इनको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब ये अगर सही ढंग से हमारे शरीर में काम नहीं कर रही है, ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में सही से श्रावित नहीं कर रही है हार्मोन को, तो उससे हमारे शरीर में नपुंसकता, अविकसित हड्डी, कुबड़ापन और समय पूर्व बुढ़ापा जैसी विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चों, इस ग्रंथि के बारे में चर्चा करने के बाद हम लोग चर्चा करते हैं हमारी अधिव्रत ग्रंथि के बारे में। बच्चों, अधिव्रत ग्रंथि जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, किडनी, व्रत मतलब होता है किडनी, ये किडनी आप लोग को दिख रही है, लेफ्ट और राइट दो किडनी होती है हमें पता है। ये अधिव्रत ग्रंथि जो होती है, ये हमारी अधिव्रत जो है किडनी के ऊपर एक लेयर के रूप में होती है, यानी ये इसको ढके हुए रहती है और ये दो दो तरह से होती है, एक कॉर्टेक्स होती है और एक मेडुला, दो भागों में विभाजित होती है, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। और ये इस ग्रंथि को हम लोग ये ग्रंथि हमारी एड्रेनलिन नामक हार्मोन का श्रावण करती है। ये ग्रंथि हमारे शरीर में लड़ाई, भाग दौड़ और हमारे हृदय गति को नियंत्रित रखना, इन सब में कसरत आदि करते समय हमारी मददगार होती है। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इससे हम एक चीज, इस जो एड्रेनल हार्मोन है इसको हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी आपातकालीन स्थिति में हमारे क्रिया करने के अनुपात को बढ़ाती है, हमें ऊर्जा देती है ताकि हम उस आपातकालीन स्थिति से लड़ दें और हम
उससे निपट पाए, उससे हमें ज़्यादा ताकत देती है, ज़्यादा ऊर्जा देती है और हम इस आपातकालीन स्थिति से निकलने में सक्षम हो जाते हैं। इस ग्रंथि अगर हमारे ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो ये सब इसका एक और कार्य होता है हमारे शरीर में सोडियम का नियंत्रण करना। ये हृदय से में अपना प्रभाव छोड़ती है, जैसे मैंने अभी बताया कि हृदय को नियंत्रित करती है, हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करती है। जब ये उस हार्मोन हमारे शरीर में कम उत्पन्न होता है तो ये हमारी पाचन क्रिया को मंद कर देती है, धीमी कर देती है। हमारी पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है, इन सबको पचाने के लिए, चयापचन करने के लिए हमारा जो हार्मोन है वो श्रावित हो रहा है। अगर वो मंद हो जा रहा है, धीमा नहीं निकल रहा है, सही से श्रावित नहीं हो रहा है, तो ये हमारी पाचन क्रिया को मंद कर देता है और मनुष्य को भूख नहीं लगती है, और रक्तचाप हमारा गिर जाता है। इस तरह की बीमारी को हम लोग बोलते हैं एडिसन रोग। ये रोग कौन सा होता है? एडिसन रोग। और जब ये अधिक क्रियाशील हो जाती हैं हमारे शरीर में तो भी हमारे लिए समस्या उत्पन्न करती हैं। जब ये अधिक श्रावित होती है तो महिलाओं में पुरुषों जैसे दाढ़ी मुंह चुभना आदि लक्षण उत्पन्न करते हैं और बच्चों में ही, बाल अवस्था में ही ये उनके जननांगों को विकसित करने का कार्य करता है। तो इससे ज़्यादा श्रावित होने से एवं कम श्रावित होने से दोनों ही स्थिति हमारे लिए सही नहीं होती हैं। तो बच्चों आगे हम लोग चर्चा करते हैं हमारी थायराइड ग्रंथि के बारे में। अभी हम लोगों ने चर्चा की हमारी थायराइड ग्रंथि के बारे में, हमने बताया कि कंठ में एच आकार का होता है। इसी एच आकार के नीचे जोड़ों में दो रचनाएं होती हैं, दाएं और बाएं, यानी कुल हमारी चार पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। ये हमारी लाल रंग की ग्रंथियां होती हैं और ये 1 से 3 ग्राम तक की होती है। इसके साथ कई प्रकार की रक्त पात्र भी पाए जाते हैं। ये हमारी ग्रंथि है, ये पैराथायरोक्सिन नामक या पैराथार्मोन नामक हार्मोन का श्रावण करती है। इस पैराथार्मोन हमारे साथ जो विटामिन डी के साथ मिलकर रक्त में ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब कभी कभी हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो भी ये नियंत्रित करता है और जब कम हो जाती है तो भी ये नियंत्रित करता है। इसका साथ ही साथ ये कैल्शियम अवशोषण जो करती है और वृक्कों में इसका पुनः अवशोषण भी करती है। ये रक्त में इस प्रकार की बढ़ी जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसका प्रयोग ये हड्डियों एवं दांतों को बनाने में करती है। तो अगर हमारे जो है ये कार्य है, हमारे पैराथायराइड ग्रंथि का कार्य है हमारी कैल्शियम को सही से नियंत्रित करना और हमारे विटामिन डी से मिलकर हमारे जो है सारे जो हार्मोन है उसको श्रावित करते हुए अपना कार्य करना। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं हमारी थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि हमारी छाती से थोड़ा सा ऊपर होती है और ये करीब 10 से 15 ग्राम की होती है। यह थाइमोसिन नाम का हार्मोन श्रावित करती है। इसका काम हमारे रक्त में शकरा का नियंत्रण करना होता है। शकरा आप लोग शुगर के नाम से जानते हैं इसको बहुत आसानी से, इसकी कमी से, इसकी अधिकता से जो बीमारियां होती हैं वो डायबिटीज़ नाम से जानी जाती है। और ये हमारे जो है मधुमेह नामक बीमारी, जैसे मैंने कहा डायबिटीज़, तो ये मधुमेह नामक बीमारी इसके कारण हो जाता है। अगर ये सही से श्रावित नहीं होती है तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। ये थायमस हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारी जो रोग लड़ने की क्षमता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए हम कहते हैं, हम जानते हैं कि जब मधुमेह हो जाता है तो अनेकों अलग प्रकार के रोग हमारे शरीर को ग्रसित कर देते हैं, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में इन्हीं के कारण, थाइमोसिन के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा ये अंदर जो हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाओं हैं इनका निर्माण करता है और भ्रूण अवस्था से लेकर आगे की अवस्था तक, विकसित होने के समय तक ये हमारे निरंतर सहयोग करता रहता है। अब इसकी जो है हमारे शरीर में अगर ये कमी हो जाती है तो मैंने अभी बताया कि मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं हमारी अगली ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय कशेरुकीय जीवों का पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है। ये अग्नाशय अपने आप में ही एक अंग है, ऑर्गन जिसको हम कहते हैं,
ये ऑर्गन है, ये अंग है। अब हमारी कशेरुकीय जीव मतलब होता है वो जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे जीव जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये ऐसी संरचना है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाले या हमारे इन्हीं लोगों में पाई जाती है, यानी मानव उनमें से एक है। अब ये हमारे उदर भाग के पीछे पाया जाता है और लिवर तथा छोटी आंत से घिरा हुआ होता है। इसकी संरचना आप लोग देख रहे हैं, पहचानते होंगे इसको आप लोग। ये भोजन को पचाने में और खून में शुगर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इससे इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन श्रावित होते हैं। यह अंतःश्रावी ग्रंथि है, साथ ही साथ ये बाह्य श्रावी ग्रंथि भी है, यानी अगर हम देखें तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये अग्नाशय से अग्नाशयी रस को श्रावित करती है जो कि एक बाह्य श्रावी है ग्रंथि का कार्य कर रहा है, और अंतःश्रावी ग्रंथि के तौर पर ये इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का श्रावण कर रही है, यानी ये अंतःश्रावी ग्रंथि है। तो ये ग्रंथि हमारी एक ऐसी है जो मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती है, और इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब बच्चों, अग्नाशय अगर हमारा सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो ये हमारे जो बीमारियां हो जाती हैं, जो रोग हो जाते हैं, वो होता है ब्रैंकियाइटिस, एक्यूट ब्रैंकियाइटिस और ब्रैंकियाइटिक कैंसर। ये पैंक्रियाज अगर हमें सही से कार्य नहीं कर रही है तो इस तरह के रोग हो जाते हैं। इसके साथ साथ शर्करा की लेवल हमारे शरीर में नियंत्रित नहीं रहती है। इस चर्चा के बाद बच्चों हम लोग अगली चर्चा करते हैं हमारी जनक ग्रंथि या गोनेड्स के बारे में। गोनेड्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ऐसी ग्रंथि है जो महिला और पुरुष दोनों में अलग अलग होती है। महिलाओं में ये हमारे अंडाशय में होती है और पुरुषों में ये वृषणों में होती है। इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में जो सेक्स गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करना। ये गोनेडोट्रोफिन्स नामक हार्मोन का श्रावण करती हैं और इनका शरीर कार्य होता है शरीर में प्रजनन तंत्र में को से संबंधित कार्य होता है, और सेक्स हार्मोन का को ये श्रावण करके बढ़ावा देती है। तो बच्चों, अभी मैंने एक और के बारे में बात की थी, चर्चा की थी जब चित्र देखा था हमने, कि प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा भी एक तरह की अंतःश्रावी ग्रंथि है जो केवल गर्भ के दौरान ही श्रावित करती है हार्मोन को, जो कि बच्चे को पोषक तत्व पहुंचाता है, और बच्चे के जन्म के बाद ये पुनः इनएक्टिव हो जाती है, उतनी क्रियाशील नहीं रहती है, और इस तरह से ये हमारी एक और ग्रंथि होती है। बच्चों, इन सभी चर्चाओं के बाद अब हम लोग इस टेबल या तालिका के माध्यम से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी ये ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, इनका कौन सा हार्मोन श्रावित हो रहा है इनसे, और इनके कार्य क्या क्या हैं। और इसमें विशेष बात ये कि जो कार्य हमारी ये ग्रंथि कर रही है, ये जो कार्य हमारा ये हार्मोन कर रहा है, अगर वो कार्य नहीं करेगा तो उससे जो उत्पन्न होगा वो हमारी बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले है बच्चों थायराइड ग्रंथि, ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन श्रावित करती है और ये उपापचय पर नियंत्रण करती है। दूसरी है पीयूष ग्रंथि, ये वृद्धि हार्मोन है और विकास और वृद्धि के लिए उत्तरदायित होती है या सहायता करती है। तीसरी है पैराथायराइड ग्रंथि, ये पैराथार्मोन श्रावित करती है और हमारे अस्थि निर्माण तथा दंत निर्माण का कार्य करती है और हमारे शरीर में कैल्शियम का सही से नियंत्रण करती है। अधिवक ग्रंथि, ये एड्रिनल श्रावित करती है और ये सोडियम पे नियंत्रण रखती है। थायमस ग्रंथि, ये थायमोसिन श्रावित करती है और हमारे शरीर में लिम्फोसाइट यानी हमारी श्वेत रक्त कणिकाओं का को बढ़ने में, उसको इम्प्रूव करने में सहायता करती है। अग्नाशय, ये इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का श्रावण करती है और ये भोजन के पाचन और शुगर का नियंत्रण करती है। अगली बच्चों है जनन, ये गोनेडोट्रोफिन्स श्रावित करती है और ये शरीर में प्रजनन तंत्र के लिए हेल्पफुल या सहयोगी होती है। तो बच्चों, इस पाठ की चर्चा के बाद आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास कार्य हैं। इस अभ्यास कार्य में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वे प्रश्न हैं, अंतःश्रावी प्रणाली क्या है, हमारे शरीर में हार्मोन के क्या कार्य हैं, और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं और क्यों। धन्यवाद।